नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की। शीतकालीन सत्र, आज सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ, जैसे कि पूरी तरह उम्मीद थी। विपक्ष ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की और इस बार मुद्दा बना बेरोजगारी। रोजगार के मुद्दे पर सबसे पहले विपक्ष ने सरकार पर वार किया और यह कहते हुए वार किया कि सरकार बताए कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर क्या है, बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है। दिलचस्प बात यह रही कि सदन के दौरान इस पूरे मसले को लेकर हंगामा इस बात को लेकर खड़ा हुआ कि जब सदन में श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने आंकड़े रखे, आंकड़ों में दावा किया गया कि 7 लाख लोगों को सरकार ने नौकरी दी। इतना ही नहीं, 1,15,000 से ज्यादा लोगों को आउटसोर्स के जरिए नौकरी दी गई। आंकड़े में यह भी कहा गया कि उद्योगों में 5 लाख रोजगार देने का जिक्र सरकार की तरफ से किया गया। जैसे ही हरक सिंह रावत ने यह आंकड़े पेश किए, उसके बाद सदन के भीतर विपक्ष को मौका मिल गया। विपक्ष ने कहा कि सरकार गुमराह कर रही है आंकड़ों के जरिए। विपक्ष ने आरोप लगाया, खासतौर पर काजी निजामुद्दीन ने यह मुद्दा उठाया। काजी निजामुद्दीन और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने जनता को गुमराह किया, क्योंकि 2020 में सरकार ने ही कहा कि हमने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया, नौकरी दी, और आज सदन के भीतर हरक सिंह रावत कहते हैं कि 7 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। कौन से आंकड़े सही हैं और कौन से झूठे, जो 2020 में कहे गए या आज जिसका जिक्र हरक सिंह रावत ने किया। इस पूरे मसले को लेकर सदन के भीतर जमकर सरकार की किरकिरी भी हुई। वहीं दूसरी तरफ किसानों का मुद्दा भी सदन के भीतर खुदा। सदन के भीतर मंत्री, जो कि कृषि मंत्री, गन्ना मंत्री हैं खासतौर पर स्वामी यतीश्वर, उन्होंने कहा कि कृषि कानून का जो मुद्दा है जिसे भुनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा था, अब वो प्रधानमंत्री के तीनों कानून वापस लेने के बाद मुद्दा खत्म हो जाता है। लेकिन विपक्ष ने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर किसानों के मसले पर सरकार ने कोई काम नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्हीं के ही विधायक देशराज कणवाल ने आज एक मुद्दा चीनी मिल का सदन के भीतर उठा दिया, जिसका जवाब खुद स्वामी यतीश्वरानंद ने दिया और कहा कि मसला कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में। इतना ही नहीं, दल बदल का मुद्दा भी सदन के भीतर गूंजा। दल बदल के मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर दोनों निर्दलीय विधायक रहे जिन्होंने बीजेपी हाल ही में ज्वाइन कर ली, चाहे वो राम सिंह केड़ा हो या फिर प्रीतम सिंह पवार। काजी निजामुद्दीन और प्रीतम सिंह ने यह सवाल उठाया कि आखिरकार बीजेपी ज्वाइन करने के बाद दोनों निर्दलीय विधायकों के पास सदन के भीतर अब रहने का अधिकार नहीं है, उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं, और उस पर भी अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने जवाब दिया। लेकिन मसला रोजगार का था, बेरोजगारी का था, जिस मसले को एजेंडे के तहत न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, और उसी मसले को लेकर आज सदन के भीतर सवाल पूछा गया। तो सबसे पहले अपने मेहमानों की तरफ हम कूच करें, आपको सुनाते हैं सदन के भीतर हरक सिंह रावत और काजी निजामुद्दीन वार और पलटवार क्या कुछ रहा सदन के भीतर, और फिर से रुक करेंगे सीधा बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के चेहरे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले जरा सुनिए सदन के भीतर क्या कुछ हुआ इन आंकड़ों को लेकर जब बेरोजगारी के मसले पर सरकार घिर गई। देखिए जरा, ये जो मैंने आंकड़े दिए हैं कि उत्तराखंड राज्य जो सबसे कम बेरोजगारी का प्रतिशत है, छठे नंबर पर है। 27 राज्यों में हम 21वें पायदान पर। कौन सी कंपनी के आंकड़े हैं? ये सरकारी आंकड़े, भारत सरकार जिस जो आंकड़े वो दे रहे हैं। देखिए मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ। 27 राज्यों में बेरोजगारी के जो दर, जिन 6 राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी की दर है, उनमें उड़ीसा नंबर 1 पर है, 0.06% बेरोजगारी है उड़ीसा में। सबसे कम बेरोजगारों की संख्या उड़ीसा में, गुजरात में 1.4% बेरोजगारी की दर है, मध्य प्रदेश में 1.7% है, छत्तीसगढ़ में 1.8% है, कर्नाटक में 2.8% है, और उत्तराखंड में 3.1% है।
अल्पसूचित सवाल था जिसमें हमने प्रदेश में बेरोजगारी की बात की और सरकार ने जो आंकड़े दिए वो बड़े ही इस प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा और इस प्रदेश के युवाओं को गुमराह करने का था। उन्होंने जो आंकड़े पेश किए वो CMIE है, एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड, कोई मुंबई की एक संस्था है, आप भी उसे गूगल करके देख सकते हैं। कोई नरोत्तम शाह साहब हैं जो उसको चलाते हैं उस संस्था को। उस संस्था के आंकड़े, एक प्राइवेट संस्था के आंकड़े सरकार सदन में पेश करती है बेरोजगारी दर पर, और वो उस देश के रोजगार को सर्वोच्च स्तर पर दिखाती है, जबकि हम लोग भारत सरकार की पेश की हुई एक NSO की रिपोर्ट, जो कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, हम इसको पेश कर रहे हैं। और जो ये आंकड़ा, इसमें आप भी इसका अध्ययन कर सकते हैं, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। अब भारत सरकार की रिपोर्ट माने या एक प्राइवेट संस्था की रिपोर्ट को माने, ये रिपोर्ट ये कहती है कि जम्मू कश्मीर के बाद प्रदेश में, देश में, उत्तराखंड प्रदेश में 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर सर्वोच्च है। तो देखा आपने, यह मसला सीधे तौर पर सदन के भीतर संग्राम का विषय बना। बेरोजगारी के मसले को लेकर सरकार को विपक्ष ने घेरने की कोशिश की। अब ऐसे में सियासी संग्राम, और सीधे तौर पर, क्योंकि माना जा रहा है कि यह सरकार का इस 5 साल के कार्यकाल का आखिरी विधानसभा का सत्र है, और विपक्ष चाहता है कि इस दौरान सदन के भीतर, क्योंकि यह सूबे की सबसे बड़ी पंचायत है, सदन के भीतर सरकार को घेरकर एक संकेत और संदेश राजनीतिक रूप से दिया जाए। और इसकी पूरी रणनीति का ताना बाना प्रीतम सिंह और काजी निजामुद्दीन ने बुना। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए जो मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं उनसे आपको तारुफ करवा देते हैं। सुशील त्यागी हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा को ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के उत्तराखंड के। साथ ही साथ विमला जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की। साथ ही अरमिंदर बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुशील त्यागी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। सवाल मेरा यही कि रोजगार के मसले पर क्या फंस गई सरकार? हेलो सुशील त्यागी जी, सुशील त्यागी जी, रोजगार के मसले पर क्या फंस गई सरकार? सुशील त्यागी जी, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? सुशील त्यागी जी संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन विमला जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा। आपको लगता है कि सरकार को घेर पाया? बिल्कुल, सरकार ने पूरे 5 साल में इस उत्तराखंड के युवाओं को कितना धोखा दिया है, ये हमारे उत्तराखंड के युवा अच्छी तरीके से जानते हैं। पूरे उत्तराखंड में इस समय बेरोजगारी इस तरह हावी हो चुकी है कि सरकार अपने झूठे, जो उन्होंने झूठी अपनी वाहवाही लूट रही है, लेकिन युवा जानता है कि वो किस तरीके से बेरोजगारी से जूझ रहा है। और आने वाले समय में उत्तराखंड की जो हमारे युवा हैं, वो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को 2022 में अवश्य देंगे, क्योंकि आज हमारे उत्तराखंड के अंदर महिलाएं इतनी परेशान है, बेरोजगारी इतनी चरम पर पहुंच चुकी है कि आज ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे प्रदेश के जो युवा हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। इस भाजपा सरकार ने हमारे देश, हमारे जो उत्तराखंड के प्रदेश के जो युवा हैं उनको इस कगार पे लाकर खड़ा कर दिया है कि आज हमारे प्रदेश का युवा बहुत परेशान है। और भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के साथ, आपको लगता है कि बेरोजगारी उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है? जी बिल्कुल, इस समय हमारे उत्तराखंड में बेरोजगारी बहुत हावी हो चुकी है, हमारा युवा बहुत बेरोजगार घूम रहा है। और इसका जवाब आप भी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, क्योंकि ये सिर्फ अपनी वाहवाही लूट रहे, क्योंकि इन्होंने हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दिया, लेकिन सिर्फ अपने जो प्रदेश के जो मंत्री हैं, अपने प्रदेश के जो उनके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या जो उनके नेतागण हैं,
उनका विकास किया, उनको रोजगार दिया, तीन तीन मुख्यमंत्रियों को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सुशील त्यागी, सुशील त्यागी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि रोजगार के मसले पर क्या फंस गई सरकार, मानते हैं आप? सुशील त्यागी जी, मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं सुशील त्यागी, लेकिन अरविंदर बिष्ट, क्या आपको भी लगता है कि बेरोजगारी का मसला इस वक्त उत्तराखंड की सियासत में सबसे बड़ा मुद्दा साबित होने वाला है, और खास तौर पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में? डबल इंजन लगाने के नाम पर 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, और पिछले 5 सालों में नौकरी लगना तो दूर की बात है, नौकरियां चले गई, और ऊपर से सरकार बेशर्मी देखते हुए सदन में लगातार झूठ बोलने का काम कर रही है। आज तिलक भाई सदन में दो बहुत महत्वपूर्ण विषय आए, एक तो रोजगार को लेकर के, और दूसरा जो राज्य में निर्दलीय विधायकों का जो अभी आपने सवाल उठाया है उसमें से सदस्यता को लेकर के। और मैं उस बारे में इसलिए भी बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें पिटिशनर भी हूँ, विधानसभा अध्यक्ष को मैंने व्यक्तिगत याचिका भी उसमें आज से तकरीबन 1 माह पूर्व दी थी, और मैंने उनके संज्ञान में इस मामले को लाया था कि ऐसे दोनों विधायक दल बदल कानून के अंतर्गत आते हैं और इनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। कांग्रेस को बहुत, जो यहाँ मुख्य विपक्षी दल है उत्तराखंड में, उनको बहुत देर से याद आई, 7 सितंबर को प्रीतम कुमार जी और 8 सितंबर को राम सिंह खेड़ा जी, दोनों ही लोग भाजपा में चले गए थे, तो ऐसे में बहुत पहले इनकी सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने बहुत देर कर दी। मैं इस मामले को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष जी से मैंने विधानसभा में फाइल की, तो उसके बाद सबसे इस पर कार्रवाई चल रही है। हालांकि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी का जो आचरण है वो विधानसभा अध्यक्ष होने की बजाय जो है भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में उनका आचरण है। जिस तरह से वो नियमों को तोड़ रहे हैं, जिस तरीके से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, और इस मामले में तो बहस की आवश्यकता ही नहीं थी। ये मामला तो जैसे ही हमने याचिका दी, विधानसभा की नियमावली कहती है कि उनको उसी समय इस मामले में कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। तो पहली बात, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार उत्तराखंड में चल रही है, और जिस तरह से इन्होंने झूठ बोलने का काम उत्तराखंड में किया, आज सदन में झूठ बोलने का क्या काम किया, उस पर भी आपत्ति है। और दूसरी बात, उस विषय पर भी मैं बयान सुनाऊंगा, उस विषय पर भी मैं बयान सुनाऊंगा। ओके ओके अरविंदर बिष्टी, एक सेकंड। सुशील त्यागी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? सुशील त्यागी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं आप? दूसरा नंबर था ना इसका, उसको करता। ओके, कनेक्ट नहीं हो पा रहे, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था विमला जोशी जी, सीधे तौर पर जो बात अरविंदर बिष्ट जी ने उठाई, उन्होंने कहा कि बहुत देर होगी हजूर आते आते, आप लोग विपक्ष की भूमिका में थे, आपको यही नहीं मालूम चला कि निर्दलीय विधायकों ने कब बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन की, और आज सदन के भीतर यह मुद्दा उठा रहे हैं आप? आपने कौन सी याचिका डाली थी? विमला जी, आप म्यूट हटा लीजिए प्लीज। विमला जी, अपना म्यूट का बटन हटा लीजिए प्लीज। जी, अब बात हमें तो देखिए, कांग्रेस को पूरा विश्वास था विधानसभा अध्यक्ष जो बैठे हुए हैं उन पर कि वो इस काम को करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और उनकी सोच जो है वो भारतीय जनता पार्टी की, भाजपा की सोच है, तो वो ऐसा करेंगे, हमें विश्वास नहीं था। लेकिन आज हमें इस चीज का पता चल चुका है कि जो विधानसभा अध्यक्ष बैठे हुए हैं वो उनकी पूरी सोच है, भाजपा की सोच है, और वो उन्हीं की सोच, उन्हीं की विचार। अच्छा अच्छा, जब कुंजवाल जी बैठे थे विधानसभा की, विमला जोशी, जब कुंजवाल जी बैठे थे विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर, तब क्या हुआ था? भूल गए क्या आप?
देखिए उन्होंने कांग्रेस के होने के बावजूद उन्होंने निष्पक्ष जांच करी थी और उन्होंने उनकी सदस्यता को भंग करने का काम किया था। नहीं, अगर मैं बात करूं गोविंद सिंह कुंजवाल जी की, तो गोविंद सिंह कुंजवाल जी आप कह रहे हैं ना विधानसभा अध्यक्ष आज भूमिका निभा रहे हैं बीजेपी की, जब कुंजवाल जी विधानसभा अध्यक्ष थे तब कौन सी भूमिका निभा रहे थे वो? देखिए कुंजवाल जी ने उस समय निष्पक्ष काम किया, उन्होंने कांग्रेस की सोच का काम, विचारधारा का काम नहीं किया। उन्होंने एक विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते विधानसभा दल के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी निष्पक्ष रूप से उन्होंने वहां पर काम किया विधानसभा में। अच्छा, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर पूरे के पूरे सदन ने क्या कुछ देखा वो भी आपने सवाल खड़े हो गए। ओके अरविंदर जी, क्या वाकई दल बदल का मुद्दा जो है उस पर देर कर दी विपक्ष ने आते आते, जिसका जिक्र आप कर रहे थे? बिल्कुल आ नहीं रही है मुझे, जब उन्होंने पहले फैसले की बात की और अभी भी उनकी आवाज निपक नहीं आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर दल बदल कानून को लेकर के जैसे मैंने कहा कि ये मामला सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर चार महीने हो गए, अब चौथा महीना चल रहा है, तो निश्चित तौर पर इसमें तो सितंबर में ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, कांग्रेस की तरफ से इस पे याचिका आ जानी चाहिए थी। लेकिन चूंकि उत्तराखंड में मित्र विपक्ष होने की परंपरा है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों सगे भाई हैं, आपस में सवाल उठाते नहीं एक दूसरे के खिलाफ, तो मजबूरन मुझ जैसे राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को याचिका देनी पड़ी। और मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, लगातार मैं विधानसभा अध्यक्ष और सचिव से और लगातार टाल मटोल कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि मेरी याचिका में कमी है तो उस याचिका को रिजेक्ट कर दें, तो रिजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं उस याचिका को, और यदि याचिका सही है तो ओके सुशील त्यागी जी, अगर कानून अगर विधानसभा के जो नियम बने हैं दल परिवर्तन के जो संविधान की अनुसूची 10 में जो नीति है निर्धारक जो विधायक होते हैं वो नहीं करेंगे तो बताइए इस देश में संविधान को बचाने का काम कौन करेगा? ओके सुशील त्यागी जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? सुशील त्यागी जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप सुशील त्यागी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की। लेकिन एक बात सीधे तौर पर, मसला बेरोजगारी का है, मसला किसानों के मुद्दे का है, मसला दल बदल कानून को लेकर जिस तरह से सवाल उठा कि दल बदल का मुद्दा उठाया गया सदन के भीतर, लेकिन विमला जी बतौर विपक्ष का आकलन भी आज करना बहुत जरूरी है। सदन के भीतर आप लोगों की भूमिका 5 साल के भीतर कैसी रही? विमला जोशी जी प्लीज अपना म्यूट का बटन हटा लीजिए। हमने बता दबा दिया, मैं ये कह रही हूँ कि हमने हमेशा निष्पक्ष रूप से काम किया और जी जो बोलिए विमला जी बोलिए, क्या किया 5 साल में बतौर विपक्ष आपने? नहीं देखिए, हमने सदा भाजपा की गलत नीतियों का विरोध किया और जब हम सत्ता में थे और हमारे माननीय गोविंद कुंजवाल की जो बात अभी कर रहे थे आप, तो उन्होंने निष्पक्ष रूप से काम किया, विधानसभा जो विधान सदन के जो दल के नेता होते हैं उस रूप से उन्होंने निष्पक्ष रूप से काम किया और भाजपा के जो लोग हैं वो एक कार्यकर्ता की सोच के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं। ओके अरविंदर जी, आप इत्तेफाक रखते हैं जो बात विमला जी कह रही है कि विपक्ष के तौर पर हमने जो है ईमानदारी से भूमिका निभाई? मैं तो फिर आते हैं वहीं पर, अगर बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी को लेकर के उत्तराखंड का नौजवान सड़कों पर है, उत्तराखंड का नौजवान परेशान है और जितनी भी संस्थाएं उत्तराखंड में नौकरी देने का काम करती हो, चाहे उपजल हो, चाहे पीआरडी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, तो वहां पर रोज धरने प्रदर्शन बेरोजगार कर रहा है।
आपको कभी याद आता है तिलक जी की कांग्रेस ने बेरोजगारी को लेकर के कोई प्रदर्शन किया हो, बेरोजगारी को लेकर के कोई नौजवानों का साथ दिया हो? आपने जैसा मैंने अभी ये दल परिवर्तन वाला जो मामला उठाया, उसी में जब मैं कह रहा हूँ कि इस मामले को 3 महीने पहले हो जाना चाहिए था, भाई दल बदल को लेकर के, दल परिवर्तन को लेकर के जो सारी नियमावली है, हरीश रावत जी से बेहतर कौन समझ सकता है जिन्होंने दल बदल को लेकर के एक पूरा कानून कर डाला और कांग्रेस की सरकार ने जिन विधायकों ने जो पार्टी बदली थी उन विधायकों की सदस्यता निरस्त कर गई, तो सब जानते थे लेकिन सब जानने के बाद भी वो चुप रहे। और चुप क्यों रहे? इसलिए रहे क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये दोनों ही पार्टियां बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये मिले हुए हैं उत्तराखंड में। ओके, उत्तराखंड सुशील त्यागी जी, उत्तराखंड को लूटने में ये दोनों मिले हुए हैं, तो निश्चित तौर पर मेरा ये सुशील त्यागी जी, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? निश्चित तौर पर मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मित्र विपक्ष की भूमिका में इस प्रदेश में पिछले 20 सालों से रहे हैं और यही कारण है कि उत्तराखंड का विकास ठीक से हो नहीं पा रहा है। ओके सुशील त्यागी जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? सुशील त्यागी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुशील त्यागी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा, कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने की। लेकिन मुझे एक बात बताइए विमला जोशी जी, जो बात अरविंदर जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग अगर विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभाते तो 3 महीने तक सोए थोड़ी ना होते। क्या आपको नहीं मालूम कि दल बदल कानून क्या कहता है? आपको नहीं मालूम था, और हरीश रावत को तो बाखूबी मालूम था, उन्होंने तो एक एक किताब के एक एक पन्ने फड़वा ले, क्योंकि जख्म तो उन्होंने झेले, वो मौन क्यों रहे? देखिए मौन वो नहीं इसलिए रहे क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि जो मैंने आपको पहले भी बोला, उन्हें ये नहीं पता था कि विधानसभा के जो हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं वो एक भाजपा कार्यकर्ता की सोच की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने तो सोचा जबकि वो, क्योंकि जब विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, अच्छा विधानसभा अध्यक्ष है वो बीजेपी के कार्यकर्ता की संवैधानिक पद की गरिमा को बनाए रखेंगे करके उन्होंने वो इससे छुपते, उन्हें ये नहीं पता था कि वो इस गरिमा को भंग करने का भी काम कर सकते हैं करके। ओके मुझे लगता है आप कनेक्ट हो गए त्यागी जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? सुनील त्यागी जी बैठता हूँ यार, मैंने इसका स्पीकर ऑन किया हुआ है। सर 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 मेरा ऑडियो आपको तक पहुंच गया, आप इस वक्त लाइव हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, क्या रोजगार के मसले पर सरकार फंस गई क्या? बात कर रही है उन्होंने सुशील त्यागी जी, सर आप म्यूट का बटन हटा दीजिए प्लीज, आपका ऑडियो मेरे तक आ रहा है लेकिन आप म्यूट का बटन हटा दीजिए प्लीज। सुशील त्यागी जी प्लीज म्यूट का बटन हटा के अपनी बात रखिए। सुशील त्यागी जी प्लीज अपनी बात रखिए, रोजगार के मसले पर क्या फंस गई सरकार? कृपया सुशील त्यागी जी, क्या रोजगार के मसले पर सरकार फंस गई आपको भी लगता है, जिसका जिक्र विपक्ष कर रहा है? सुशील त्यागी जी प्लीज अपने म्यूट हटा दीजिए, सामने म्यूट हो रखा है, प्लीज म्यूट का बटन हटा दीजिए और फिर अपनी बात रख सकते हैं आप। सुशील त्यागी से संपर्क नहीं हो पा रहा, प्लीज कनेक्ट करेंगे दोबारा। लेकिन मसला यहां पर सीधे तौर पर वही सवाल वही जवाब, लेकिन दल बदल कानून को लेकर मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कि दल बदल कानून को लेकर जो बयान हमारे सामने आए हैं अब वो भी आपको सुना देते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और कोशिश करेंगे सुशील त्यागी से जुड़ने की। लेकिन यहां पर जो बयान है वो बयान भी आपको सुना देते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई, प्लीज अब इन बयानों को भी प्ले करिए प्लीज।
तो मसला सीधे तौर पर सियासत के नजरिए से सदन के भीतर संग्राम से जुड़ा हुआ था, विपक्ष के वार और सरकार के सवाल जवाब से जुड़ा हुआ था। तो पूछता है उत्तराखंड में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।